हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट बिग चेंज कौन सा आने वाला है। क्या बिग चेंज आपकी लाइफ में आपको फील होगा नेक्स्ट आने वाला है, आने वाले टाइम में। ओके, सो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर वन वी हैव इज डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। एंड कार्ड नंबर टू वी हैव इज सरेंडर टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। सो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो वाला कार्ड आप चूज करिए। एंड इफ यू गाइज आर न्यू ऑन द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द ग्रुप नंबर वन। हाय गाइज, ग्रुप नंबर वन, तो आपने चूज करा है कार्ड डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या डिवाइन प्लान होने वाला है, क्या चेंज आने वाला है आपके लिए आगे जाके लाइफ में। सो व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग फॉर द ग्रुप नंबर वन पीपल। ओके, ग्रुप नंबर वन वी हैव इज द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वी हैव पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, स्टार एंड वी हैव एट ऑफ सोर्ड्स। आई सी विश फुलफिलमेंट फॉर यू ग्रुप नंबर वन यहाँ पे। और वो जो विश है ना, वो ऐसी है कि आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, ये वो वाली विश है। बिकॉज यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी है और टेम्परेंस का कार्ड भी है, जो कि दिखा रहा है कि ये जो विश थी ये काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं लाइफ में। और ये विश इसलिए पूरी नहीं हो रही थी बिकॉज आपको डाउट था इस विश के ऊपर। आप सेल्फ डाउट में थे। एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ दिखा रहा है सेल्फ डाउट, कि कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बट यू वर लाइक कि नहीं, ये हो नहीं पाएगा, ये हो नहीं सकता है। या आपको अपने ही प्रेयर्स पे भरोसा नहीं था, आपको डिवाइन पे भरोसा नहीं था, आपको अपनी हार्ड वर्क पे भरोसा नहीं था, राइट? तो काफ़ी स्टक एनर्जी थी आपके अराउंड, और वो जो स्टक एनर्जी थी वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पा रहे थे उस विश के रिगार्डिंग, उस चीज़ के रिगार्डिंग जो आप चाह रहे हो लाइफ में, राइट? बट आपने पेशेंस रख रखा था, आप बिल्कुल वो थे कि हाँ ठीक है, लेट्स कीप पेशेंस। और आपने सब्र बहुत कराया इस चीज़ के लिए, लंबे वक्त तक आपने इस चीज़ का इंतज़ार कराया। फाइनली वो चीज़ आपको मिल रही है विद द स्टार कार्ड। ये विश जो है ये आपकी पूरी हो रही है एंड इट विल बी अ न्यू बिगनिंग ऑफ योर लाइफ। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करते जाओगे, आप एट ऑफ सोर्ड्स से निकल के क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में टैप इन करते जाओगे, आप समझते जाओगे कि कुछ भी मांगो, कुछ भी मैनिफेस्ट करो, सबसे नंबर वन जो इंग्रेडिएंट है वो है भरोसा और मेंटल क्लैरिटी। मेंटल क्लैरिटी इन द फॉर्म ऑफ कि ये चीज़ पूरी होगी, ट्रस्ट ऑन द डिवाइन। वो जो है, वो जैसे आप उस एनर्जी में टैप इन करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपका ये जो वेटिंग पीरियड है ये एंड होता जाएगा, राइट? अभी ऑब्वियसली वेटिंग है, आपको पता भी है कि कहीं ना कहीं डिवाइन है, बट वो भरोसे की थोड़ी कमी है, डाउट है चीज़ों में, दिमाग में डाउट चलता है। बट जैसे जैसे यू विल बिकम दिस क्लियर पर्सन फ्रॉम योर थॉट्स एंड माइंड, वो चीज़ आपके और करीब पहुँचती जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, जब आपको वो चीज़ मिलेगी ना, यू विल बी सो हैप्पी विद दिस पेज ऑफ कप्स। दिखा रहा है कितनी खुशी, जैसे कि जब कोई एक बच्चा होता है, उसको व्हेन व्हेन ही और शी गेट्स अ न्यू टॉय, वो जो फेस पे वो जो हैप्पीनेस दिखती है ना, वो एक एक्साइटमेंट, वो चीज़ आपको होने वाली है। ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों को कुछ आप अचीव करने वाले हो, जैसे कि आप एक ट्रॉफी लग रही है, कप जो उसने पकड़ा हुआ है, ऐसे ट्रॉफी कुछ आप कुछ जीतने वाले हो, कोई ट्रॉफी जीतने वाले हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। बट आई थिंक कि इन अभी आप जो आपका मेंटल लेवल है, इन फ्यूचर आप काफ़ी मेंटली स्ट्रांग होगे एज अ पर्सन। एंड आई फील दैट यू आर वेरी क्लोज टू योर विश। कोई बड़ी विश जो आप मांग रहे हो ना, वो आपकी पूरी होगी फ्यूचर में। यहाँ पे टावर कार्ड है, टावर, वी हैव टू ऑफ कप्स, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। अगेन इट विल बी सडन, मतलब कि इट्स नॉट कि जैसा आपने एक्सपेक्ट करा है ये उस फॉर्म में है, ये ज़रूरी नहीं है, पर इट विल बी सडन, कि मतलब अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में ये चीज़ पूरी हो रही है आपकी,
राइट. ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है और कुछ ना कुछ नया बनाने के लिए जो ओल्ड वर्जन है उसको गिराना पड़ता है. तो टावर में जो बिल्डिंग गिर रही है वो यही आपकी ओल्ड सेल्फ को दिखा रही है कि अपना ओल्ड सेल्फ जो है उसको छोड़ दो, अब एक न्यू आपका जो न्यू सेल्फ है ना उसमें टैपन करो, तभी ये चेंज आएगा आपकी लाइफ में. एंड टू ऑफ कप्स इज अगेन शोइंग सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप, सम काइंड ऑफ हार्मनी, सम काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट, कि वो चीज़ आपको मिल रही है, आपका यूनियन हो रहा है किसी चीज़ के साथ. या तो ये आपकी कोई विश हो सकती है, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, कोई स्पेसिफिक करियर हो सकता है, कोई पार्टनरशिप हो सकती है, बट यू गाइज आर बिकमिंग अ यूनियन विद समथिंग इन योर लाइफ, विद समबडी और समथिंग इन योर लाइफ. रिलेशनशिप्स ऑफ कोर्स इम्प्रूव होंगे आपके, एंड एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी आपके आपके पार्टनर के साथ. एंड दिस पेज ऑफ सोर्ड्स इज शोइंग न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी, मेंटल एनर्जी न्यू फॉर्म में आ रही है ये आपके लिए. मेंटल क्लैरिटी यहाँ पे आ रही है, बिकॉज पेज भी है क्वीन भी है, दोनों ही सोर्ड्स में आए हैं आपके, तो इट्स शोइंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इज कमिंग इन योर लाइफ, इन योर फ्यूचर, कि अभी जो कन्फ्यूजन की जो स्थिति है ना वो आपकी ख़त्म हो गई और एक क्लैरिटी मिल रही है आपको बहुत सारी चीज़ों में. आपको अपने बारे में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो रही हैं अपनी लाइफ के बारे में. लवर्स, अगेन दिस इज़ अ यूनियन कार्ड कमिंग फॉर यू, स्पेशली इन योर लव लाइफ, कि यूनियन हो रहा है आपका किसी पर्सन के साथ, किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ को पाना, ये आपका हो रहा है फ्यूचर में. एट ऑफ वॉन्ड्स, इट विल बी फास्ट, इट विल बी फास्ट, इट इज़ फास्ट एक्चुअली. आप बहुत करीब हो उस चीज़ के, आप दूर नहीं हो उस चीज़ से, आप बहुत करीब हो. कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है लॉन्ग डिस्टेंस से रिलेटेड भी है ये चीज़ आपकी लाइफ में, और ये चीज़ करीब है, कोई कॉल, मैसेज, फ़ोन, पर्सन, समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, समथिंग दैट यू आर एक्साइटेड अबाउट. जजमेंट, बिकॉज डिवाइन का जजमेंट आपके साथ है. डिवाइन का जब जजमेंट होता है तो वो सारा जो भी आपने अच्छा करा होता है ना उसका पूरा उनके पास लिखा होता है और वो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देते हैं. तो वो देख रहे हैं कि आपने कितना पेशेंस रखा है, आपने कितना भरोसा रखा है, राइट. तो वो आपके उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी देंगे. सो जजमेंट डे इज़ कमिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर वन. यहाँ से भी देख लेते हैं ग्रुप नंबर वन के लिए नेक्स्ट बिग चेंज. वी हैव ग्रेट वरी ओवर नथिंग. तो आप फालतू टेंशन ले रहे हो, बहुत छोटी बातों के लिए आप टेंशन ले रहे हो, तभी आपके लिए एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड था. लाइक यू आर जस्ट वरीड, और टेंशन वाली एनर्जी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा. गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइस पर्सन, आई थिंक कोई वाइस पर्सन है आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आप उनसे अपनी चीज़ें डिस्कस कर सकते हो जो कि सच में नॉलेजेबल है, जिनके पास आपको भरोसा है कि इस पर्सन के पास एक सोल्यूशन होगा प्रॉब्लम का, आप उनसे शेयर कर सकते हो. रिकग्निशन रिवॉर्ड फॉर मैरिट, मैं आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि कोई अवार्ड मिल सकता है आपको, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, तो यहाँ पे वही कार्ड आया है कि कुछ जीत रहे हो आप, कुछ पा रहे हो आप, समथिंग यू आर अचीविंग इन योर लाइफ इन द कमिंग फ्यूचर. कैरियर, स्पेशली इन योर कैरियर लाइफ, यू आर अचीविंग समथिंग, यू आर ग्रोइंग इन लाइफ, करियर आपका बहुत अच्छा हो रहा है. हार्ट एक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव, आई थिंक इट्स लाइक पास्ट में जीना कि वो चीज़ नहीं रही, वो वर्जन नहीं रहा, वो चीज़ नहीं है, ये लैक मेंटालिटी में जीना ये आपको बंद करना पड़ेगा. एंड फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, यस, वो एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बार बार जो निकल के आ रही है यहाँ पे, वो यही दिखा रही है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो. एक्चुअली मैं आप हो नहीं, बट ये आपका माइंड है जो आपको ऐसा फील करवा रहा है. तो आपको ना इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा कहीं ना कहीं, अगर आपको ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी चाहिए तो अपनी लाइफ में, अगर आपको ये रिवॉर्ड चाहिए तो लाइफ में, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में तोलना बंद करो. आप उससे कहीं ज़्यादा हो, राइट. आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, आप अपनी पावर्स नहीं पहचान पा रहे हो. लेट्स सी फ्रॉम योर ग्रुप नंबर वन, बिग चेंज. वी हैव टीचर अवेकन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनी थिंग स्टॉप यू. आपके पास बहुत सारी पावर्स हैं, कुछ टैलेंट है आप में, कुछ आप कर सकते हो लाइफ में, आप वो शेयर नहीं कर रहे हो, आप उसको अपने अंदर ही रख रहे हो, राइट. तो अपने इंट्यूशन की सुनो, राइट. किसी भी चीज़ को अपने आप को रोकने मत दो, राइट. आप लोगों की बातों को सीरियसली ले रहे हो, आप
पता नहीं और क्या क्या चीज़ों की वजह से आप लाइफ को जी नहीं पा रहे हो ढंग से। तो इट्स लाइक कि अपने आप को जानो, समझो और अपनी लाइफ जीना शुरू करो, अपने आप पे वर्क करना शुरू करो। कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, राइट? आई मीन बहुत हो गया ड्रामा व्रामा लाइफ में, लड़ाई झगड़े वट एवर, राइट? अपना पाथ खुद बनाओ, इन चीज़ों से ऊपर उठो, अपना लाइफ में रूम बनाओ अच्छी एनर्जी का, गुड एनर्जी का। आपके अराउंड अभी बैड एनर्जी है, बैड पीपल, बैड वाइब्स, राइट? बैड कंपनी में भी हो सकता है, बट अपना कर्मा खुद पहचानो, अपना बैड कर्मा खुद रिलीज़ करो, ताकि अच्छा कर्मा आपकी लाइफ में एंटर हो, तभी आपकी लाइफ में अभी ग्रोथ नहीं हो रही है, बिकॉज आप उसी बैड कार्मिक साइकिल में घूमे जा रहे हो। वी हैव होली एमेथिस्ट, डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन वॉट यू डिज़ायर। एग्जैक्टली, करंट चैलेंजेस जो भी हैं आपकी लाइफ में, उससे मूव कर जाओ आगे एंड फोकस करो कि आपको क्या डिज़ायर है लाइफ में, उस पर फोकस करो, तभी वो चीज़ मिलेगी आपको। फोकस करना बहुत ज़रूरी है, चैलेंजेस पे नहीं, जो चाहिए उस चीज़ के ऊपर। एंड लास्ट वी हैव इज लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज़ बींग रिवील्ड, डीप इंसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रियाल्म। सो या यू नो, कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन काफ़ी देर डाउनलोड कर रहा है अपने अंदर, जो कि हेवन से कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं, वो आप डाउनलोड कर रहे हो, आपको समझ भी आ रहा है कुछ चीज़ें, राइट? आपके कॉन्शियस माइंड को पता है कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, बट वो नहीं हो पा रही है, बिकॉज कुछ तो कमी है, कुछ तो बैड कर्मा है आपके अराउंड, बट सच्चाइयाँ आपको पता है, क्या करना है आपको लाइफ में वो भी पता है, राइट? तो उसको समझो, उसको सुनो और उस पर अमल करो। और आपने जो कार्ड चूज़ किया था ना, डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। भले ही यहाँ पे सामने डेजर्ट दिख रहा है आपको, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे भी एक डिवाइन प्लान है और आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, और जहाँ ट्रस्ट है ना, वहीं पे डिवाइन है। आई बिलीव दैट। ओके, सो ग्रुप नंबर वन, ये है आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर टू, तो आपने चूज़ कराया कार्ड सरेंडर टू द जर्नी, रिलीज कंट्रोल। सो गाइस, देखते हैं आपके लिए कि आपकी लाइफ में क्या बिग चेंज आने वाला है नेक्स्ट, ग्रुप नंबर टू। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर टू के लिए नेक्स्ट बिग चेंज। We have Ace of Pentacles, we have the Sun, we have Six of Cups, Emperor, Nine of Wands, Hangman. Okay, group number टू आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव और अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। करेंटली आई फील दैट यू गाइज आर क्वाइट इमोशनल, लिविंग इन द पास्ट, पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा मिस कर रहे हो, कि पास्ट की मेमोरीज, पास्ट के लोग, पास्ट में क्या हुआ आपके साथ, यू नो, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द पास्ट, राइट? और कंपेयरिंग योर पास्ट विथ योर फ्यूचर, राइट? और मतलब एक तरह से नॉस्टैल्जिया में जीना, पुराने चीज़ों को याद करना, और उस वजह से स्टक एनर्जी को अपनी लाइफ में इन्वाइट करना। क्योंकि जो बंदा पास में जिएगा, ऑब्वियसली वो एक्शन मोड में तो होगा नहीं, वो बस बैठ के पास को ही सोच रहा होगा, राइट? पर आप उस वजह से आपकी लाइफ में ये स्टक एनर्जी भी थी, आप रुके हुए भी थे लाइफ में, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही थी, प्रोग्रेस नहीं कर रही थी, अचीवमेंट्स नहीं हो रहे थे, राइट? तो दिस वॉज द सिनारियो इन योर लाइफ। बट आई फील दैट इन द नियर फ्यूचर आप अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में टैपन करने वाले हो, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। सिक्स ऑफ कप से सीधा नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप टैपन करने वाले हो, विच इज़ शोइंग दैट ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, विल पावर बहुत है इस एनर्जी में, और ये एनर्जी ऐसी है कि मुझे पास्ट में नहीं जीना है, मुझे फ्यूचर का सोचना है, मुझे फ्यूचर के लिए वर्क करना है, और मुझे अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाना है, और चाहे दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए, मैंने गिव अप नहीं करना है। ये जो एनर्जी है ना, कहीं ना कहीं ये काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। इस एनर्जी में आप टैपन कर रहे हो, और उस वजह से क्या हो रहा है ना, कि आपके अचीवमेंट्स बहुत हो रहे हैं, बिकॉज एज ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर और सन, तीनों ही कितने पॉजिटिव लकी कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है न्यू जॉब, न्यू करियर, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल अबंडेंस,
यू नो न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन योर लाइफ, आपके फाइनेंशियल जो गेंस के जो रास्ते ब्लॉक थे वो खुल रहे हैं. सो इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग इन, न्यू न्यू प्रैक्टिकलिटी कमिंग इन योर लाइफ. और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स विद द एम्परर कि आपका ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम अ वेरी इमोशनल सेंसिटिव पर्सन टू अ वेरी स्ट्रांग एंड प्रैक्टिकल पर्सन, बिकॉज एम्परर इज वेरी प्रैक्टिकल. और अभी आप हो एक इमोशनल एनर्जी में, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी में, जहाँ पे हर कोई आपको कुछ भी कह रहा है, तो यू नो यू आर जस्ट बिकमिंग इमोशनल. बट इन द फ्यूचर यू आर बिकमिंग दिस सक्सेसफुल पर्सन एम्परर हु इज सो मच लाइक, कितना रिस्पेक्ट है इस पर्सन के लिए. एम्परर, एम्परर से ऊपर क्या ही होगा, एम्परर तो किंग से भी बड़ा हुआ ना, तो इससे ऊपर क्या ही, जिसके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी है लेकिन एक रुतबा भी है, सक्सेस भी है, राइट, जिसकी बातें सब सुनते हैं, जिसकी लाइफ में रिस्पेक्ट है, जिसके सामने गोल है, राइट, जो हर चैलेंज को लेता है कि एज अ कि यस आई हैव टू डू इट. तो ये एम्परर आप बन रहे हो. यहाँ मुझे आपके लिए बहुत अच्छी जॉब नज़र आ रही है जहाँ पे आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, नॉट ओनली फ्रॉम योर ऑफिस प्लेस बट ऑल्सो फ्रॉम योर फैमिली. दिस इज एक्चुअली योर रिस्पेक्ट दैट यू आर अर्निंग इन योर फ्यूचर. एंड सन कार्ड तो आपको पता ही है कि इट्स लाइक अ टोटल कंप्लीट हैप्पीनेस कमिंग इन योर लाइफ. गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, गुड रिलेशनशिप्स, गुड ऑरा, पॉजिटिविटी, गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, गुड थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जीज ऑल ओवर. तो ये जो है आप आने वाले टाइम में फील करोगे. सक्सेस इज मतलब आप ऐसे कि इट्स लाइक अ राइजिंग सन, आप ना ऊपर ही बढ़ते जा रहे हो बस. और हर कोई सलाम करता है राइजिंग सन को, राइट, तो वो ही आपकी होने वाली कंडीशन की, हर कोई विल बी अप्रिशिएटिंग यू. जो भी आपके ऊपर रॉन्ग ब्लेम्स लगे होंगे या जिस वजह से आप अकेले पड़े थे लाइफ में, अब पीपल विल अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वॉट यू आर ट्राइंग टू से, राइट. कुछ लोगों के लिए हमें प्रेगनेंसी भी है, लाइक दोज आर वेटिंग फॉर चाइल्ड, बट फॉर मेनी ऑफ यू इट्स योर करियर टेकिंग अ ह्यूज स्टेप. बहुत ही ब्यूटिफुल करियर लाइफ होने वाली है आपकी. एंड करियर लाइफ इज़ ऑल्सो लिंक्ड विथ योर पर्सनल लाइफ, कि आपकी पर्सनल लाइफ भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है इस चीज़ से, कि जैसे जैसे अपने करियर में आप आगे बढ़ते रहोगे वैसे वैसे आपकी पर्सनल लाइफ भी और स्ट्रांग होती रहेगी. बिकॉज आपका अपने लिए एक स्टैंड होगा ना, आपका अपने लिए एक अलग इमेज होगी आपकी अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में. सो यू नो यू विल बी लाइक कि पीपल विल बी रिस्पेक्टिंग यू फॉर वॉट यू हैव बिकम इन लाइफ, राइट. सो आई सी लॉट ऑफ नेम, फेम, मनी फॉर यू इन द फ्यूचर, गुड हेल्थ फॉर यू इन द फ्यूचर, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स फॉर यू. ग्रुप नंबर टू, यहाँ से और देखते हैं. सो वी हैव फॉक्स, श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस. आई गेस नाउ इट्स टाइम कि यू नो यू आर लाइक, हमारे बोलते नहीं है सोसाइटी में कि बड़ा भोला भंडारी है, तो यू शुड स्टॉप बींग दैट एंड यू शुड स्टार्ट यूजिंग योर ब्रेन्स. कि कुछ नहीं रखा है दिल विल के मामलों में, इमोशनल होके लोगों के लिए एक्स्ट्रा माइल्स जाके कुछ नहीं पड़ा है. डू इट फॉर योर सेल्फ, डू बिकम स्मार्ट फॉर योर सेल्फ, तो आपको वो ही बनना है. इट्स लाइक अ फॉक्स, आप वो बन रहे हो. मेजर चैलेंज टू ओवरकम, आपका चैलेंज ये है कि आपका चैलेंज आप खुद हो, आपका चैलेंज जो है वो आपने खुद बनाया है लाइफ में, राइट. अगर आप अपने आप अपने इस नेचर से बाहर निकल जाओ ना, तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. तो ये चैलेंज को ओवरकम करना है आपको. डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ, यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद योर लाइफ, यू आर जस्ट नॉट हैप्पी विद योर लाइफ, द वे यू आर लिविंग योर लाइफ. बिकॉज यू नो डिससैटिस्फाइड कौन होता है, वो होता है जिसको पता है कि मैं बेटर डिजर्व करता हूँ और मुझे ऐसी लाइफ जीनी पड़ रही है. वो डिससैटिस्फाइड होता है पर्सन, बिकॉज यू नो दैट यू डिजर्व बेटर. तो यही जो आपके अंदर जो ये मोटिवेशन है कि आई डिजर्व बेटर, आई डिजर्व बेटर, यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी. यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस. कहीं ना कहीं यू आर वेरी इंट्यूटिव, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, व्हाट योर इंट्यूशन सीज, गो विद दैट, डू दैट थिंग. इंट्यूशन इज नेवर रॉन्ग. ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स. सी दिस ईगल, यू विल फ्लाई हाई. आप अपने सारे प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स को ना हरा दोगे, आप सबसे टॉप पे पहुंचोगे लाइफ में. एंड अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू, डॉग फार अवे. कहीं ना कहीं फार अवे लैंड से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या आप कहीं फार अवे ट्रैवलिंग कर रहे हो,
कहीं ना कहीं इट्स लाइक ट्रैवलिंग, और कहीं दूर से कोई गुड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आपको मिलना जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, ये दिख रहा है आपके लिए इन द फ्यूचर। यहाँ पे हम एडवाइस भी देख लेते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर टू। सॉरी, सो फर्स्ट वी हैव इज द सेक्रेट सेल्फ, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। आपके अंदर जो गिफ्ट्स हैं, जो टैलेंट्स हैं, जो आपको पता है कि ये चीज़ तो मेरे अंदर है, राइट, मेरी लाइफ वेस्ट होने के लिए नहीं बनी है, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए बनी है, तो उस साइड को पहचानो, उस टैलेंट को बाहर लेके आओ, अचीवमेंट्स करो, राइट, और अपनी लाइफ को बेस्ट ऑफ बेस्ट से इंजॉय करो। केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। सी, दैट डजंट मीन कि अगर आप एम्परर बन जाओगे तो आप बड़े हार्श हो जाओगे, बड़े स्टबर्न हो जाओगे, नो, स्टिल यू हैव टू कीप दैट केयर कंपैशन। वैसे ही एक राजा होता है, तो उसके पास जब प्रजा आती है अपनी प्रॉब्लम लेके, तो राजा का फ़र्ज़ क्या होता है कि वो बहुत ही प्यार से उनकी बातें सुने और उनकी हेल्प करें, राइट। तो यही आपको एग्जाम्पल सेट करना है कि अगर आप आगे जाके बहुत सक्सेसफुल बनते हो, तो आपका जो एक वो पार्ट है जो बहुत ही कंपैशनेट है, केयरिंग है, वो दूसरों की हेल्प के लिए भी आए हमेशा, राइट। दूसरों के लविंग थॉट्स रखो हमेशा, दूसरों की जितनी हेल्प कर सकते हो उतनी हेल्प करो हमेशा। राधा सोल फ्लेम, री डिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। आपका एक लॉस्ट पार्ट है, कहीं ना कहीं वो आप उसको ढूंढ रहे हो। समटाइम्स ऑलवेज फील कुछ तो कमी है लाइफ में, सब कुछ है, मेरे पार्टनर भी हो आपके पास, फैमिली भी है, बट समथिंग यू आर लैकिंग इन योर लाइफ, और वो किसी चीज़ में या किसी और पर्सन में आपको वो होलनेस नहीं मिलेगी, वो आपको अपने अंदर मिलेगी। बिकॉज जब आप वो काम करोगे, जो आपका सोल पर्पज़ है, जब आप वो काम करोगे तब आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, और तभी आपकी लाइफ में ट्रू हार्मनी और हीलिंग आएगी, और वही आपको राधा माँ जो है वो यहाँ सिखा रही है। वाओ, वी हैव लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। सी, लॉर्ड शिवा इज ऑल्सो सेइंग कि राइज अप, उठो, अपना इनर फोर्स, अपनी पावर पहचानो कि तुम्हारा क्यों जन्म हुआ है, तुम्हें क्या अचीवमेंट्स करने हैं, राइट, तुम्हें स्टेप्स भी दिए हैं सारे, उसको चलो, उस पर उसको पहचानो, डू समथिंग गुड विथ योर लाइफ एंड डांस विद द यूनिवर्स। अपनी यूनिवर्स के साथ अपनी वेवलेंथ को मैच करो, डू वॉट यूनिवर्स इज डिज़ायरिंग फ्रॉम यू, वो करो। एंड लास्ट वी हैव इज मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। आप ऐसे काफ़ी लोग बहुत अच्छे हीलर्स बन सकते हैं, बिकॉज आपके लिए कार्ड भी उस तरह के आ रहे हैं, राइट। बिकॉज यहाँ पर एम्परर कार्ड भले ही आया है, बट एम्परर स्टिल इज समथिंग हु हेल्प्स पीपल, हु लाइक्स टू हेल्प, राइट, द पीपल ऑफ हिज टेरिटरी। सो कहीं ना कहीं शायद आप दुनिया में आए हो टू स्प्रेड लाइट, लव, फॉरगिवनेस, राइट, और कहीं ना कहीं आप भले ही बहुत रिच बन जाओ, बहुत आगे निकल जाओ, बट अ पार्ट ऑफ यू विल ऑलवेज क्रेव कि मैं दूसरों की हेल्प करूँ, मैं दूसरों की मदद करूँ, दूसरों को मैं खुशियाँ दूँ। वो ही आपका ट्रू सेल्फ की जीत होगी, वही आपके सोल की जीत होगी। आपकी हीलिंग चल रही है इस टाइम, तो दूसरों का दर्द समझने के लिए पहले आपको खुद उस दर्द से गुजरना पड़ेगा, तभी तो आप वो दर्द समझोगे किसी का। तो ये है गाइज आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर टू। आई होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।